विश्व आदिवासी दिवस पर सभ्यता व संस्कृति को बचाए रखने का लिया संकल्प। पोड़ाहाट स्टेडियम में आदिवासी मुंडा समाज की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित। बड़ी संख्या में आदिवासी मुंडा समाज के लोगों का हुआ जुटान। पारंपरिक गीत व नृत्य की दी गई प्रस्तुति लोगों ने खूब सराहा। आदिवासी मुंडा समाज के संरक्षक रामलाल मुंडा ने कहा कि हमारा समाज अब विकास की पटरी में दौड़ रही है, गति को और तेज करने की जरूरत है। अखिल भारतीय मुंडा समाज के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा ने संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है। और अब खबर विस्तार से। पोड़ाहाट स्टेडियम में आदिवासी मुंडा समाज की ओर से बुधवार को आदिवासी दिवस भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासी मुंडा समाज के लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, पद्मश्री रामदयाल मुंडा, गया मुंडा, महाराजा मदरा मुंडा, देवेंद्र नाथ सामंत की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर व दीप जलाकर किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने अपनी सभ्यता व संस्कृति को बचाए रखने का संकल्प लिया। ड्यूरी द्वारा बोंगा बुरु पूजा अर्चना की गई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में पारंपरिक गीत नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसे खूब सराहा गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकांश लोग पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज की वेशभूषा में उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से उपस्थित रांची से पहुंचे अखिल भारतीय मुंडा समाज के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा ने संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में आज आदिवासियों की क्या स्थिति है, इसका मूल्यांकन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को अपने हक व अधिकार के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने जल, जंगल, जमीन तथा अपनी कला व संस्कृति को सहेज कर रखना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी मुंडा समाज के संरक्षक सह आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष रामलाल मुंडा ने कहा कि आदिवासी का जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया है, हमें मिलकर अशिक्षा को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो अपने अधिकार को नहीं जान सकेंगे। इस अवसर पर मौजूद चक्रधरपुर के थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने कहा कि उपस्थित सभी लोगों को आए दिन हो रहे साइबर क्राइम से बचने से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में AI टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लोगों के मोबाइल से पैसे गायब किए जा रहे हैं। इन चीजों से लोगों को बचने व सतर्क रहने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अन्य लोगों ने आदिवासियों के रीति रिवाज व परंपरा के बारे में भी बताया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान चक्रधरपुर की सूर्या नर्सिंग होम कॉलेज की छात्राओं ने भी हिस्सा लेते हुए पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बदगांव, मनोहरपुर, सोनवा व अन्य जगहों से पहुंचे कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत नृत्य पेश किए। इस मौके पर पोड़ाहाट अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों के अलावे अन्य जगहों से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। मैट्रिक व इंटर के टॉपरों को किया गया सम्मानित। आदिवासी मुंडा समाज की ओर से विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मैट्रिक व इंटर के टॉपर व अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जहां कोमल सामंत, मांगीलाल मुंडा, सोना मुंडा, विशाल मुंडा, जसमती मुंडा, पार्वती मुंडा, आजादी मुंडा, सुशील मुंडा, सविता मुंडा, अमन मुंडा, सीमा नाग, शंकर सामंत, मनीषा नाग समेत बड़ी संख्या विद्यार्थियों और अतिथियों से सम्मानित किया। कार्यक्रम में ये रहे मौजूद। इस अवसर पर पश्चिमी सीएम भूमि भारत मुंडा समाज के सचिव माधव मुंडा, उप सचिव संदीप शंख, श्याम मुंडा, चंद्रशेखर मुंडा, विजय नाग, सुखराम नाग, मुनीराम सांडिल,
सुनील लागुरी, हाथीराम मुंडा, मदन मुंडा, अर्जुन मुंडा, सुरेश मुंडा, सुखलाल लागुरी, जगन्नाथ मुंडा, गुलाब सांडिल, पौधा मुंडा, सूरज मुंडा, विवेक बाजरा, सुखन राय मुंडा, गंगाधर नाग, लील मोहन मुंडा, सुरेन मुंडा, नारायण सांडिल, नटवर मुंडा, महेश्वर मुंडा, सरदार समत, गणेश मुंडा, सुनील होरो, विश्राम मुंडा समेत बड़ी संख्या में आदिवासी मुंडा समाज के लोग मौजूद थे। Tú no te